Hey, hello. Good morning, student. I am Devansh Rawat, your previous teacher. So let's start today's class. Actually, this is the last video of the topic seeds and seeds. We have discussed so many things in this chapter. Just like what is germination, steps of seed germination. आई थिंक द थर्ड पॉइंट टू नो द पार्ट्स ऑफ ए सीड वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे दैट टॉपिक टू नो द पार्ट्स ऑफ सीड तो जो एक सीड के मेनली थ्री टाइप्स के पार्ट्स होते हैं फर्स्ट है सीड कोड सेकेंड एम्ब्रियो एंड थर्ड वन फूड स्टोरेज इसी फूड स्टोरेज को आपको जो कहीं जगह कई बहुत बुक में इंडो स्पर्म भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा फ़ूड स्टोरेज और इंडो स्पर्म दोनों एक ही चीज़ है तो अगर अब आप आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ सीड तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ सीड फर्स्ट सीड कोट सेकंड एम्ब्रियो एंड थर्ड वन फूड स्टोरेज सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट्स सीड कोट फर्स्ट तो जैसे शब्द का कोट हम लोग कोट कब पहनते हैं जब हमें ठंडक में हमें बाहरी इन्वामेंट से अपने आप को बचाना रहता है तब हम अपने जो शरीर अपने कपड़ों के ऊपर कोट डालते हैं और आपने देखा होगा जो नॉर्मली कोट होते हैं वो हमारे जो कपड़े जो शर्ट या हम लोग टी शर्ट पहनते उससे मोटा होता है उससे थिक होता है तो उसी तरह जो हर सीट का एक कोट होता है जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसकी उसको हम लोग उसका कोट बोलते हैं तो ये जो फिगर है इसमें जो ये सब सीधा किनारे वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट है ना तो सीड कोट का क्या फंक्शन है तो अ सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ अ सीड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक जो सीड कोट है वो सीड के अंदर वाले पार्ट को बचाता है बाहरी जो इन्वायरमेंट है बाहरी इन्वायरमेंट क्या है जैसे सनलाइट हो गया वाटर हो गया या किसी तरह का डैमेज होता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सीड कोट तो आपको क्या बताना है कि अ सीड कोट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ अ सीड फ्रॉम द सनलाइट, वाटर और अदर एनी एक्सटर्नल तो जो थिक पार्ट, जो ये सीड कोट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा सा थिक होता है अभी तक आपने जो चना का जो एक्सपेरिमेंट किया था आपने देखा होगा उसके सबसे जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम लोग उसका क्या सीड कोड बोलते हैं तो सीड कोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और सीड कोड का क्या फंक्शन होता है वो आपको पता चल गया है अब है अब जो इम्ब्रियो तो इम्ब्रियो के इम्ब्रियो से के बहुत सारे पार्ट भी होते हैं तो आप जैसे बड़ी क्लासेस में जैसे जाएंगे तो आपको उनके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा तभी आपकी जो लेवल में क्लास फिफ्थ में केवल आप ये जान लीजिए जो इम्रियो होता है जहाँ से एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है राइज करता है उगता है उसी को हम लोग इम्रियो बोल देते हैं तो इम्रियो की जो हिंदी होती है वो भ्रूण होती है जहाँ से एक नया पौधा उगना स्टार्ट करता है जो पौधा होगा वो कभी सीड कोट से नहीं उगेगा तो जब जो हाँ से पौधा उगना स्टार्ट कर दे जैसे हम लोगों ने जब स्प्राउट किया था चने को तो जहाँ से चना सबसे पहली बार निकला था उसके जो पार्ट को हम लोग इम्ब्रियो बोल देते तो तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आ इम्ब्रियो तो आ इम्ब्रियो हेयर अ न्यू बेबी प्लांट राइज दैट इज कॉल्ड इम्ब्रियो और जो हमारा थर्ड पार्ट है फूड स्टोरेज और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडो स्पर्म तो इसका काम क्या होता है जैसे फूड स्टोरेज तो स्टोरेज का मतलब आप क्या कि स्टोर करना उसकी भंडार करने जैसे आपके मोबाइल है आपका मोबाइल हो गया टू जी बी है या सिक्सटीन जी बी है तो आपके मोबाइल में कितना डेटा कितने जी बी तक सेव हो सकता है ये बताता है तो हम बोलते हैं ना हमारी फ़ोन की स्टोरेज टू जी बी तक है तो हमारे फ़ोन में कितने डेटा कितना डाटा आ सकता है वो बताता है तो हमारे फ़ोन में टू जी बी तक अगर फोन टू जी बी का है तो टू जी बी तक डेटा हमारा आ सकता है उसी तरह फूड स्टोरेज सीड के टर्म में क्या होता है जहाँ पर सीड का फूड स्टोर होता है किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए डेवलप करने के लिए क्या चाहिए फ़ूड चाहिए उसको एनर्जी चाहिए तो उसके पास जैसे हम लोग को भी सीड के, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए हम लोग को भी प्रोटीन चाहिए विटामिन चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसी तरह सीड को भी ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं तो फूड स्टोरेज का मेन काम क्या होता है इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एक्सेट्रा तो जहाँ पर एक सीड का फूड स्टोर होता है वो पार्ट हम लोग फूड स्टोरेज के नाम से जानते हैं तो आई थिंक अब आपको सीड के तीनों पार्ट्स के बारे में पता चल गया होगा फर्स्ट पार्ट क्या है सीड कोट सेकेंड पार्ट एम्ब्रियो थर्ड वन फूड स्टोरेज या इंडोज और इन सबकी फंक्शनिंग इन सब के क्या क्या काम होते हैं इनका क्या क्या वर्क होता है ये भी आपको मैंने डिस्कस कर दिया तो ये जो ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सीड तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया एक और टॉपिक है आपके बुक में जो चैप्टर सीड एंड सीड है उसमें सबसे लास्ट पेज में एक पोएम दी है उस पोएम में दिया गया कि कुछ जो हमारे फूड आइटम्स हैं कुछ जो वेजिटेबल्स है वो दूसरी कंट्री में भी सबसे पहले दूसरी कंट्री में उगते थे और धीरे धीरे जब लोगों का आना जाना हुआ इस कंट्री से दूसरी कंट्री में या अदर वे जो हम लोग कहते हैं ना सीड डिस्पर्सल तो सीड डिस्पर्सल में मैंने एक पॉइंट बोला था बाई यू है ना कि आपके द्वारा भी सीड एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करते तो डिस्पर्सल की मीनिंग ही यही थी कि अ सीड मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट्स कॉल्ड डिस्पर्सल तो वायु आपके द्वारा भी डिस्पर्सल होता है जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं या तो आप सीड खुद लेके जाएंगे तब तो है या कभी कभी बहुत सारे जो हल्के सीड होते वो आपके जूतों में या आपके कहीं सामान में चिपक के कहीं दूसरी जगह जाते हैं और किसी कारण से अगर वो ज़मीन पर गिरते हैं तो वो सीड अगर उनको अच्छी सी इन्वायरमेंट कंडीशन मिली तो वो क्या वहाँ पर ग्रो करते हैं तो इसी तरह बहुत सारे जो हमारे फूड आइटम्स है बहुत सारी वेजिटेबल्स है वो पहले इंडिया में नहीं पाई जाती थी वो सबसे पहले दूसरे कंट्री में पाई जाती थी जब लोग वहाँ से आए तब लोगों ने भी क्या यहाँ उन चीज़ों को लेके आए और उसको यहाँ पर ग्रो किया और इसके बाद हम लोग आज डेली लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उनको अभी हमें लगता है ये हमारी ही कंट्री के इसी तरह हमारी भी कंट्री से बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे स्पाइसेस है जो लोग जब लोग यहाँ से दूसरी जगह गए तो लेके गए और वहाँ पर आज ग्रो कर रहे हैं तो फूड एंड दियर ओरिजिन तो ओरिजिन का मतलब यही होता कहाँ से सबसे पहले उसका ग्रो हुआ कहाँ सबसे पहले पैदा हुआ उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं मान लीजिए आपके घर में कोई या नाला है नाला बहुत दूर तक बहता है लेकिन अगर हम उसकी ओरिजिन की बात करें तो जहाँ से नाला निकला है सबसे पहले उसी को हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स है और कुछ वेजिटेबल्स है जैसे टी है हम लोग पर डे टी पीते हैं और बहुत सारे आप देखते होंगे कि असम की चाय है ऐड में देखते होंगे तो हमें लगता है ये लेकिन सबसे पहले जो टी हमारी जो ग्रो हुई या टी का जो पौधा लगा वो कहाँ लगा चाइना में इसे तरह लीची भी कहाँ हुई सबसे पहले चाइना में कॉफ़ी कहाँ हुआ यमन में यमन भी एक कंट्री है तो वहाँ सबसे पहले कॉफ़ी आई चिल्ली हो गया टमाटो हो गया पोटैटो हो गया पेपर हो गया ये सबसे पहले कहाँ है साउथ अमेरिका में कैबेज कहाँ आया यूरोप में टोमैटो पोटैटो साउथ अमेरिका में तो इस तरह जैसे चिल्ली साउथ अमेरिका में तो अब तो मुझे लगता है बिना चिल्ली के ना कोई सब्ज़ी अच्छी लगती होगी तो ये सारे आइटम्स हैं जिनका हम अब जब हमारे कंट्री में ये सारे ग्रो होने लगे तो हम लोग इनका यूज भी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से आई है तो अब आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि आप भी थोड़ा सा सर्च करें थोड़ा सा पूछें और उस पोयम में भी दिया गया और बहुत सारे फ़ूड आइटम्स के नाम दिए गए वेजिटेबल्स के कि कहाँ से कौन सा फ़ूड आइटम्स आया तो आप भी सर्च करें कि कौन सा जो फ़ूड आइटम्स है वो किस कंट्री से सबसे पहले उसकी ओरिजिन क्या है वो सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है तो इस तरह ये जो चैप्टर था उसकी हम लोगों ने पूरी रीडिंग कर ली इसके सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए इसके टारगेट डिस्कस कर लिए अभी हम कल बात कर रहे हैं कि आपको एक देना है इसी टॉपिक पर तो ये था कि कम से कम आपको दो तीन मिनट तक बोलना है लेकिन शायद बहुत कम बच्चे ही बोल पाए हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है आपको प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं स्टार्ट करना है सबसे पहले आप टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे जब आप अच्छे से टॉपिक समझ गए होंगे तब आपके पास उन चीज़ों को समझाने के लिए वर्ड भी होंगे तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक या जो चैप्टर आप बताने जा रहे हैं या जिसका प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में आप सीरियल वाइज पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमें क्या बताना है कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है फिर इसके बाद टारगेट देना है फिर इसके बाद जो जो टॉपिक हैं उनमें आपको क्या समझ में आया या आपने क्या पढ़ा उसको आपको डिस्कस करना है फिर धीरे धीरे आप जब लास्ट तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सारी बातें आप जो चैप्टर से रिलेटेड थी वो सारी बातें आप बता दिए अगर आप ऐसे शुरू कर देंगे देना तो कभी जो लास्ट वाली चीज़ है वो पहले बताएंगे क्योंकि ये चैप्टर लगभग पाँच छः दिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें जो हमें पहले याद होगा हम उसको पहले बताएंगे फिर जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें आप लिख लेने पर आपको बहुत सारा हेल्प भी मिलेगा और आप अपनी बात को अच्छे से समझा भी पाएंगे तो आई होप सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में हो गई ये एक्टिविटी भी हम लोग कर चुके हैं तो आप ये वीडियो देखिए इसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को ओके okay, बाय